नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक समाचार से, यूथ कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ देखें, पुलिस के साथ धक्का मुक्की जो है वो शुरू हो गई है। और यह प्रदर्शन जो जानकारी हमें दी गई है वो ये प्रदर्शन आतंकवाद को लेकर किया जा रहा है। और यहाँ पर ये लोग अब किस तरफ जा रहे थे ये हम नहीं जानते, लेकिन देखें किस तरह से यहाँ पर इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, यूथ कांग्रेस को। और जो आतंकी घटनाएं जम्मू प्रोविंस के अंदर बड़ी है उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था, आवाज उठाई जा रही थी बीजेपी और एनडीए के खिलाफ। ये प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था, यूथ कांग्रेस की तरफ से। और ये धक्का मुक्की जो है पुलिस कर्मियों के साथ जहाँ पर चल रही है, इन्हें रोकने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए सामने सामने देखिए, पुतला जो है वो भी जलाया जा रहा है। ये देखे यहाँ पर किस तरह, यहाँ पर देख सकते हैं डिटेन करते हुए, और यहाँ पर पुलिस ने इनको रोक दी। और यहाँ पर इनको कांग्रेस के जितने भी नेता है यहाँ पर इनको डिटेन करते हुए पुलिस। और यहाँ पर तस्वीर आप देख रहे हैं, एक और प्रदर्शन है वो इनकी तरफ से क्या साथ साथ वीडियो को शेयर करें, साथ साथ लाइक करें। बीजेपी तुम्हारा आईजी को जो मुक्की जो है वो चल रही है। ये देखे बीजेपी के खिलाफ ये यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। धक्का मुक्की जो है वो चल रही है, डिटेन किया जा रहा है। कुछ लोग जो है कांग्रेस के जो यूथ लीडर है वो गाड़ी के ऊपर, पुलिस की गाड़ी के ऊपर ही चढ़े हैं। और जोरदार इन लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। तो ये तस्वीरें देखें, देखिए जम्मू कश्मीर की आवाज को दबाया जा रहा है। हम चाहते हैं स्टेट का दर्जा बहाल हो, लेकिन प्रशासन जो है हमारी आवाज को दबाने का काम कर रहा है। हम चाहते हैं जो यहाँ के मुद्दे हैं उनको जल्द से जल्द जो है एनडीए सरकार हल करे, लेकिन यहाँ का प्रशासन जो है आवाज को उठाने के दे रहा है, पुलिस को आगे कर रहा है। आदिवासी है 25 साल पहले हमारी जन्म से पहले जम्मू प्रोविंस में जो अटैक कांग्रेस सरकार ने बंद किए थे, आज मौजूदा एनडीए सरकार जो हम जम्मू वासियों में जो हम पे जो कह रहे डर बिठाना चाहते हैं, मैं इनसे साफ कह देता हूँ, यूथ कांग्रेस इससे डरती नहीं है, हम लड़ेंगे। बीजेपी ये टेररिज्म राइज जो हो रहा है ये साफ तौर से इस मशीनरी का फेलियर है, ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर।
मोदी सरकार का फेलियर है, जो बड़े बड़े दावे करती थी आज वो विफल हो चुकी है। पाकिस्तान कांग्रेस ने यहाँ पर डिटेन किया, ये देखें धक्का मुक्की पर उतर आए थे, इस तरह भी तस्वीरें देखे काफी पुलिस के अलावा भी काफी सारी यहाँ पर सेना को लगाया गया ताकि इनको नियंत्रित किया जाए। लेकिन ये कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, इसलिए स्टेटहुड का दर्जा मिला है। जो आतंकी घटनाएं यहाँ पर बढ़ रही हैं उसको लेकर भी ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत, नमस्कार।